नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल एनालिटिक के और बहुत सारे टॉपिक्स में लेकर आया हूं आपके लिए, जो अलग अलग इंडिविजुअली मैंने टॉपिक्स बनाए हैं ताकि आपको अलग से भी चीज़ों के बारे में पता लगे और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी अलग से आपको डिटेलिंग के अंदर समझने को मिले। तो दोस्तों, इसलिए ये वाला जो हमारा टॉपिक है वो है कि आपको अगर अपने गूगल एनालिटिक अकाउंट का एक्सेस किसी को देना है या किसी के अकाउंट का एक्सेस लेना है तो कैसे ले सकते हो, और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और अलग अलग लेवल पे ले सकते हो। जितनी आप उसको एक्सेस देना चाहो उतना दीजिए और जितना लेना चाहो उतना ही एक्सेस आप लीजिए। तो बहुत डिटेल में इस टॉपिक को हमने आपको बताया है और ये काफ़ी हेल्पफुल है अगर आप गूगल एनालिटिक्स पे रेगुलर बेसिस पे वर्क करते हो या आपकी टीम काम करती है। तो दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तो दोस्तों, आज हम गूगल एनालिटिक के इस सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि जैसे कि मान लीजिए मेरा गूगल एनालिटिक अकाउंट है, ठीक है, मीडिया भाई का मैंने बना रखा है। अब इस अकाउंट का एक्सेस मैं देना चाहता हूँ अपने किसी एम्प्लॉय को या अपने किसी क्लाइंट को या अपने क्लाइंट का कोई एक्सेस लेना चाहता हूँ, तो किस तरीके से हम किस किस लेवल पे दे सकते हैं, क्या क्या हम एक्सेस दे सकते हैं, क्या क्या देने चाहिए, क्या नहीं देने चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे सबसे पहले आप अपना गूगल एनालिटिक अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद इसमें अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बना रखा है तो हमारी ये गूगल एनालिटिक की सीरीज़ में आप अकाउंट बनाना भी सीख सकते हो, वो हमारी सारी वीडियोज़ चैनल में है, वहाँ से आप देख सकते हो। तो अकाउंट बनाने के बाद दोस्तों देखिए, जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं इधर ऑल अकाउंट्स पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास कई सारे अलग अलग एक्सेस हैं। तो मैं मीडिया भाई अकाउंट का, अब मैं इसके अंदर आपको एक चीज़ बताता हूँ है क्या। देखो, एक गूगल एनालिटिक अकाउंट में आप मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। आप जैसे मेरी एक कंपनी मीडिया भाई डॉट कॉम, तो उसकी वेबसाइट का या ऐप का मैंने यहाँ पर गूगल एनालिटिक अकाउंट क्रिएट कर लिया, या फिर मेरा क्विक मीडिया सॉल्यूशन है उसका मैं अलग क्रिएट कर सकता हूँ, या मेरे क्लाइंट्स का अलग अलग वेबसाइट्स है उनका कर सकता हूँ। तो मैं एक अकाउंट का करने बता रहा हूँ आपको। तो जिस भी अकाउंट का आपको एक्सेस लेना है या देना है किसी को, तो आप पहले वो अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने मीडिया भाई का अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है और ये मेरी जो हितेश गुप्ता वाली मेल आईडी है, उस वाली मेल आईडी पे ऑलरेडी मैं इसका ओनर हूँ और एडमिन हूँ मैं इसका, ठीक है। अब मैं इसको अपनी ही कंपनी इन्फो मीडिया भाई डॉट कॉम का एक इन्फो वाली मेरी जीमेल की मेल आईडी है उस पर एक्सेस देना चाहता हूँ, दूसरी जीमेल आईडी पे, मतलब दूसरे यूजर को देना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सीधा यहाँ एडमिन के सेक्शन पे जाऊँगा। मैंने क्लिक करा एडमिन। अब एडमिन पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर तीन लेवल आ जाते हैं। एक अकाउंट लेवल पे आपको किसी को देना है, या प्रॉपर्टीज लेवल पे देना है, या किसी को डाटा लेवल पे देना है। तो अकाउंट लेवल पे एक्सेस देने के लिए हम यहाँ पर अकाउंट यूजर मैनेजमेंट में जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब हम गए अकाउंट यूजर मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर सबसे पहले दिखाएगा कि मीडिया भाई का जो गूगल एनालिटिक अकाउंट है उसकी इस समय किस किस के पास परमिशन है। तो अभी एक ही के पास है क्योंकि मैंने बनाया था, हितेश गुप्ता ये वाली मेरी मेल आईडी के पास इसका सारा परमिशन है। तो अब मेरे पास कौन कौन सी परमिशन है अगर मैं वो देखना चाहूँ, मान लीजिए कोई आप ये देखना चाहो कि आपको किसी ने एक्सेस दिया तो कौन कौन सी परमिशन दी है, तो यहाँ से आप देख सकते हो के देखिए चार तरीके की परमिशन होती है। एक परमिशन होती है एडिट लेवल। एडिट लेवल का मतलब है कि हमने सामने वाले को अगर परमिशन दी तो वहाँ पर वो गोल्स बना सकता है, फिल्टर्स बना सकता है और प्रॉपर्टीज़ वगैरह एडिट कर सकता है, सब चीज़ें कर सकता है। अगर हमने उससे भी थोड़े नीचे वाले लेवल पे दी है कोलैबोरेट, कोलैबोरेट के अंदर वो डैशबोर्ड, एनोटेशंस और एसेट्स एडिट शेयर वगैरह कर सकता है, इंपोर्ट वगैरह कर सकता है, रिपोर्ट्स वगैरह को ये कर सकता है। और उससे भी छोटे लेवल की जो होती है, लोअर लेवल की, वो है रीड एंड एनालाइज। इसमें सबसे कम एक्सेस होता है। यहाँ पर सामने वाली पार्टी, आप जैसे मान लीजिए आप काम करते हो बट आपको बस किसी को एक्सेस देने कि वो आपका हमारा गूगल एनालिटिक अकाउंट देख के सिर्फ हमारी रिपोर्ट्स और हमारी परफॉर्मेंस वगैरह चेक कर सके, ठीक है, और कॉन्फिग डाटा वगैरह हमारा देख सके, तो व्यू एंड एनालिसिस रिपोर्ट आप यहाँ पर सिर्फ इतना ही एक्सेस दीजिए, इसको क्लिक कीजिएगा, इनको मत कीजिएगा। अगर और यूज़र मैनेजर का मैनेज यूज़र का एक्सेस का मतलब है सारा एक्सेस दे दिया, कि मतलब वो यूज़र भी आपकी तरह ऐड कर पाएगा, हटा पाएगा, प्लस अगर वो आप
अगर आपने उसको मैनेज यूजर को एक्सेस दे दिया है, पूरा एडमिन ओनर बना दिया, तो आगे चल के वो आपको भी हटा सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको किस पर्सन को आप एक्सेस दे रहे हो और कौन सा एक्सेस देना है, ये आपको यहाँ पर मैंने समझाया। एक्सेस देना बड़ी बात नहीं, बट कौन सा एक्सेस देना है ये सोच समझ के दीजिएगा किसी को भी, ठीक है। अब बताता हूँ एक्सेस कैसे देना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने अगर एक्सेस देना है तो पहले मैं अकाउंट यूज़र मैनेजमेंट मैनेजमेंट पे जाऊंगा। यहाँ पर मैं जाऊंगा दोस्तों ऐड यूज़र पे, ऐड यूज़र पे गया, ऐड यूज़र पे गया तो यहाँ पर मैं मेल आईडी डालूंगा info@mediabhai.com। ये मैंने जीमेल पे बना रखी है मेल आईडी, तो ये info@mediabhai.com को मेरे को सारा एक्सेस देना है, एडमिन बनाना है, ठीक है प्रॉपर। और यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा नोटिफाई यूज़र, बिकॉज ये नोटिफिकेशन भी जाएगा उस मेल आईडी पे, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, देखो सबसे कम वाला एक्सेस तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इससे कम तो हम दे नहीं सकते। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ यही एक्सेस दूंगा तो सिर्फ मीडिया भाई की इस वाली मेल आईडी के थ्रू एनालिटिक पे रिपोर्ट देखी जा सकती है और ये सब चीज़ें करी जा सकती हैं। एडिट लेवल पे दूँ, कोलेबरेट पे दूंगा तो वो डैशबोर्ड और इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अगर मैं एडिट लेवल पे दूंगा तो वो फिल्टर्स, गोल्स, प्रॉपर्टी ये सब सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मेरे को लगता है कि वहाँ से मैं उस यूज़र को दे सकता हूँ सारा, अपनी तरह ओनर एडमिन बना सकता हूँ, तो मैं मैनेज यूज़र पे क्लिक करूँगा और उसको बनाऊँगा। ध्यान रखना है कि मैनेज यूज़र का एक्सेस दे दिया तो वो आपको भी हटा सकता है। तो मैंने एक्सेस दिया और यहाँ पर ऐड करा, या जो आपको एक्सेस देना है उतने को क्लिक कीजिए, जो नहीं देना उसको क्लिक मत कीजिए। अब देखिए यहाँ पर मीडिया भाई को मैंने यूज़र बना दिया, यूज़र मैनेजर एडमिन बना दिया है, एक्सेस दे दिया है। तो अब हम जाते हैं दूसरी विंडो पे, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेल आईडी ओपन कर रखी है, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सेस आ गया है, ग्रांट आ गया है कि वी अलर्ट यू दैट यू हैव बीन ग्रांटेड फॉलोइंग मैनेज एक्सेस, ठीक है। तो इस वाली देखिए मेल आईडी से और इस ये जो ट्रैकिंग जो आप गूगल एनालिटिक अकाउंट आईडी होती है उससे मेरे को एक्सेस मिला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अपने इस अकाउंट में भी जाता हूँ और ज़रा होम पेज पे चलते हैं, और यहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, अब यहाँ पर मैं ऑल अकाउंट्स में क्लिक करता हूँ और एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पहले इसको, तो यहाँ पर पता लग जाएगा हमें। तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर मेरे को दिख जाएगा कि मेरे को एक्सेस मिला है या नहीं मिला है रिफ्रेश करने के बाद, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ऑल अकाउंट्स पे दोबारा से क्लिक करूँगा, ठीक है। अब देखिए मीडिया भाई का एक्सेस मिल गया है, पहले मेरे पास एक ही एक्सेस था पुलचेरा का, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी को भी एक्सेस दे सकते हो और उसकी लिमिटेशंस बांध सकते हो कि उसको किस चीज़ का एक्सेस देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज हमने जाना गूगल एनालिटिक अकाउंट का एक्सेस किस तरीके से दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आपको कुछ और जानना है तो आप प्लीज हमें बताइए ताकि हम उसके ऊपर भी फ्यूचर में आपको टॉपिक ला के दे पाए। तो दोस्तों गूगल एनालिटिक की तरह हमने पहले बहुत सारी सीरीज बनाई है और हमारी प्लेलिस्ट में बहुत सारे अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के स्पेसिफिकली बहुत सारी वीडियोज हैं जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। और आने वाले दिनों में कई सौ वीडियोस और बहुत सारी नई नई सीरीज, एडवांस सीरीज हम लेकर आ रहे हैं। तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आप और सब लोग मिलकर सीख पाओ। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।